गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप लोग, कंटिन्यू बारिश ही हो रही है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो इस बारिश में आप कटिंग तो लगा ही रहे हैं, और एक विंटर सीजन का ऐसा प्लांट है जिसकी कटिंग लगाकर आप उसे नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। वैसे तो उसकी कटिंग आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन इस समय उसकी कटिंग बहुत ज़रूरी है लगानी हमें। और देखिए, ये प्लांट है कैलेंचू का प्लांट, और बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं और फ्लावरिंग जो है सभी प्लांट में लगभग मेरे गार्डन में और आप लोगों के गार्डन में भी हो चुकी होगी। तो उसकी आपको जो प्लांट है उससे कटिंग लेनी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सकुलेंट वेराइटी का प्लांट है और इसे नेक्स्ट ईयर के लिए यदि आपको बचा कर रखना है तो इसकी कटिंग लगानी बहुत ज़रूरी है। तो अभी मौसम भी अच्छा है और इस समय मार्च में आप जो है कैलेंचू की कटिंग लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। और अगले साल के लिए आप फिर उनसे कटिंग ले लेकर और ढेरों प्लांट हम सितंबर में इसका तैयार कर लेंगे। तो इस समय आप कटिंग लगा कर रख लीजिए, क्योंकि पुराने प्लांट जो है अक्सर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए कटिंग लगानी ज़रूरी है। तो चलिए लगाते हैं कैलेंचू की कटिंग। और देखिए, मैंने भी इतनी लंबी लंबी कटिंग ले ली है, बहुत सारे प्लांट है मेरे पास, लगभग 20 से 25 प्लांट मैंने इस साल अपने गार्डन में तैयार किए थे। आप लोगों ने देखा है बहुत अच्छी फ्लावरिंग पर था मेरा प्लांट, और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी किया है। तो इस तरह से आपको कटिंग ले लेनी है और इनकी पत्तियां रिमूव कर देनी है, ज़्यादा पत्तियां नहीं रखनी है कटिंग में, मुश्किल से 3-4 पत्ती ही रखिए, और बाकी लगभग 3 से 4 इंच की कटिंग आप ले लीजिए इस तरह से। और इसको इस तरह से काटना है फ्रेंड्स, देखिए इतनी लंबी लंबी कटिंग है, इसको तिरछा थोड़ा नीचे जो हम रूट्स आएंगे जिनमें, उसको थोड़ा तिरछा काटिए इस तरह से, जैसे कि मैं काट रही हूँ। और इस तरह की ढेरों कटिंग आप ले लीजिए। कैलेंचू की पत्तियां भी ग्रो होती है, ये भी आपको बता देती हूँ, हालांकि उसमें रूट्स जो है थोड़ा लेट से आते हैं, तो इनमें जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं उनका भी इस्तेमाल मैं लगाने में करूँगी, उसको फेंके नहीं, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और यदि आपके पास कटिंग कम है तो पत्तियों को भी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इतनी सारी बड़ी बड़ी पत्तियां भी ले ली है, इनको भी मैं लगा दूंगी और ये भी ग्रो हो जाएंगी, थोड़ी लेट से होंगी। तो चूंकि कैलेंचू का प्लांट है और ये अभी समर सीजन में फ्लावरिंग करेगा नहीं, तो हमें इसे नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करने के लिए ही हम कटिंग लगा रहे हैं। तो पत्तियों को भी लगा दीजिए, उनमें भी रूट्स आ जाएंगी, फिर वो भी नए प्लांट के रूप में बन जाते हैं, नया प्लांट बन जाता है उससे। तो देखिए, 3-4 इंच की कटिंग लेनी है, इस तरह से तिरछा आपको कटिंग कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, जो मिट्टी मैंने ली है आपको दिख रहा होगा पॉट में, उसमें मैंने लिया है आधा भाग मिट्टी और आधा भाग सेंड। तो इसमें मैं इसी तरह की मिट्टी में लगाऊंगी, सेंड की मात्रा ज़्यादा रखिए। और एक पॉट में मैंने लिया है सिर्फ रेत बस लिया है, तो मैं दोनों में ग्रो करके दिखाऊंगी। और उसका रीज़न ये है कि दोनों में हम देखेंगे कि किसमें जल्दी रूटिंग होती है, किसमें जड़ें जल्दी आती है। तो देखिए, ये छोटे पॉट में मैंने लिया है सिर्फ रेत, और ये बाजू वाला जो पॉट है उसमें मैंने लिया है आधा भाग मिट्टी और आधा भाग सेंड, और मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है कटिंग लगाने के लिए। इसी में हम कटिंग लगाएंगे, तो इसमें मैंने वाटरिंग कर ली है ये वाले पॉट में, और रेत में भी आपको पानी डालना है। दोनों पॉट में आप पानी डाल लीजिए, आप चाहें तो फंगीसाइड का भी पानी डाल सकते हैं। मेरे पास फंगीसाइड का पानी नहीं है क्योंकि फंगीसाइड खत्म हो गया है, आप लोग थोड़ा फंगीसाइड भी मिला लीजिए। एलोवेरा जेल लेना है, आपके पास गार्डन में ही होंगे, अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फंगीसाइड पाउडर का, या फिर हल्दी भी ले सकते हैं। तो बस आपको इस तरह से डीप करते जाना है, और डीप करने के बाद आपको इस तरह से बारी बारी से कटिंग लगाते जाना है। तो कैलेंचू को हमेशा मैं ऐसे ही सेव करके नेक्स्ट ईयर के लिए रखती हूँ फ्रेंड्स, जब उनमें फ्लावरिंग हो जाती है। तो प्लांट इतने सारे हैं और जो है धीरे धीरे कई फंगस लगने की वजह से खराब भी हो जाते हैं, तो उनको प्रून भी करके आप नेक्स्ट ईयर के लिए रख सकते हैं। तो देखिए, साथ में हमने प्रून भी कर दिया है प्लांट को, तो उनमें भी नई ग्रोथ स्टार्ट होगी, और जो प्लांट को मैंने प्रून किया है उन्हीं की कटिंग लेकर मैं नए प्लांट भी तैयार कर रही हूँ। तो हमेशा अपने गार्डन में आप यही कोशिश कीजिए कि एक ही प्लांट मत रहने दीजिए। हमेशा वीडियो में मैं आप लोग से यही बताती हूँ कि कोई भी प्लांट आप जब भी नर्सरी से लाते हैं, तो वो प्लांट यदि कटिंग से ग्रो होते हैं तो उनकी ढेरों कटिंग आप लगाइए। एक दो प्लांट यदि गार्डन में किसी कारणवश खराब भी हो जाते हैं, तो आपके पास जो है दूसरा प्लांट बचा रहेगा। एक ही प्लांट को बार बार लेने से आपको पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, और साथ ही बार बार कटिंग लगाने से हम गार्डनर्स को एक्सपीरियंस भी होता है, और हमें पता भी चलता है फ्रेंड्स कि कौन से प्लांट की कटिंग हम किस तरह से लगा सकते हैं और किस वजह से वो हमारी कटिंग खराब होती है, कितने दिनों में ग्रो होती है, किस तरह से हमको वाटरिंग करनी चाहिए, कैसी देखभाल करनी चाहिए और कैसे जगह पर रखना चाहिए।
तो देखिए इस तरह से बस मैं जेल लेते जा रही हूँ और मैं दोनों पॉट में लगाते जा रही हूँ, साथ में जिसमें मैंने मिट्टी और रेत लिया है उसमें भी लगा रही हूँ। आप चाहें तो होल भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बारिश हुई है तो मेरी मिट्टी गीली भी है, इस वजह से मैं डायरेक्ट लगाते जा रही हूँ। और जो रेत वाला जो मेरा पॉट है उसमें मैंने 6 होल बना लिए हैं, क्योंकि रेत है और जब हम लगाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होती है कटिंग लगाने से, तो उसमें थोड़ा छेद बना लीजिए बहुत सारे, और बस आपको एलोवेरा जेल ऐसे डिप करना है और उसी में आपको इस तरह से लगाते जाना है। हल्के हाथों से मिट्टी को थोड़ा प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब हम वाटरिंग करें तो हमारा जो कटिंग है इधर उधर हिले ना। और वैसे इतने छोटे छोटे कटिंग है हमारे, तो स्प्रे बॉटल से ही आप पानी डालिए। अब जैसे फ्रेंड्स मैं इनकी पत्तियां भी इस तरह से लगा रही हूँ और इसे मैं बिल्कुल शेड एरिया में रखूंगी, या फिर तो यदि आपके पास शेड एरिया नहीं है, जैसे कि मैं टेरिस पे गार्डनिंग करती हूँ, तो इनको बड़े बड़े प्लांट के बीच में रख दूंगी। अभी तो यहाँ पर मेरा ग्रीन नेट लगा हुआ है, ज़्यादा सनलाइट में आप नहीं रखना है कटिंग को। और इसमें पानी कब दूंगी मैं, जैसे कि आज मैंने इसमें पानी डाल दिया है तो लगभग मैं 2 दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद जैसे मुझे लगेगा, आप देखेंगे कि आपकी पॉट की मिट्टी जो है सूखने लगी है, तब आप इसमें पानी दीजिएगा। और पानी भी कैसे देना है फ्रेंड्स, स्प्रे बॉटल से दीजिए, तो एकदम डायरेक्ट मग्गे में पानी नहीं देना है, मग में पानी आप स्प्रे बॉटल से हल्की हल्की मिट्टी में स्प्रे कीजिएगा और कटिंग जो है बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो कैलेंचू के प्लांट की कटिंग आप बहुत इजी से लगा सकते हैं और अपने घर पर ही ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा है मेरे गार्डन में मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार किए थे, और कोशिश कीजिएगा जैसे कि ये कटिंग हमारी तैयार हो जाती है अभी, तो हम सितंबर में इन्हीं प्लांट की कटिंग ले लेकर और भी कटिंग लगाएंगे सितंबर में। तो आगे पीछे करके आप कटिंग लगाइए, कम से कम 15 से 20 दिन का गैप जरूर लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने बहुत सारे कटिंग लगा लिए हैं, और ये सारे के सारे जब ये ग्रो हो जाएंगी तो इसकी अपडेट भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। पत्तियों को भी मैंने ग्रो कर दिया है और 2 पॉट में इसीलिए लगाए हैं ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि रूटिंग किसमें जल्दी हुई है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप भी कैलेंचू की कटिंग अभी इस समय लगाइए। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स, और मेरे नए फ्रेंड्स मेरे वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लांट से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में किसी प्लांट की जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो देखिए इस तरह से हम कटिंग से कितने सारे प्लांट अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं, और इस समय बहुत ही अच्छा मौसम है कैलेंचू की कटिंग लगाने का, तो आप भी जल्दी से कटिंग लगाइए। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय।